हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल नमकीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए मैंने ली है मूंग दाल। अब एक बोल में 2 कप डालेंगे मूंग दाल, 1, 2, और अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें इसे थॉरली वॉश करना है। तो मैंने मूंग दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी और 4 घंटे के लिए इसे भिगो कर रखेंगे। मूंग दाल को सोक करे हुए 4 घंटे हो गए हैं, तो चलो इसे अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देते हैं। हमें इसका पानी पूरी तरह से निकालना है। अब 5 मिनट के लिए इसे यहीं पे पड़ा रहने देंगे, ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा नीचे चला जाए। तो मूंग दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, तो अब इसे एक साफ कपड़े के ऊपर बिखेर देंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और अब इसे थोड़ा सा हाथ के साथ ऐसे फैला देते हैं। और इसे वेट करेंगे हम 10 मिनट तक, जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा इसके टावल के ऊपर निकल जाए। मूंग दाल को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो टावल के ऊपर निकल गया है। अब इसे उठा लेते हैं और एक बोल में डाल लेंगे। अब मैंने एक खुले बर्तन में ऑयल ले लिया है, इतना ही खुला होना चाहिए आपका बर्तन भी, और गैस कर देते हैं ऑन मीडियम पे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और दाल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके फ्राई करेंगे। एक हिस्सा मैंने इस छन्नी में डाल लिया है। अब छन्नी को रखेंगे गर्म तेल में और दाल को साथ साथ में हिलाते रहेंगे। जब ये बबल कम हो जाएंगे उसका मतलब ये है कि आपकी जो दाल है वो फ्राई हो गई। तो ये देखिए बबल्स कम हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो दाल है वो फ्राई हो गई है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तेल निकाल लेंगे सारा और एक बोल के ऊपर मैंने रखा है नैपकिन और टिश्यू पेपर, निकाल लेते हैं इसे। और इसी तरह से हम जो बाकी बैच है उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो दाल हमारी ठंडी हो गई है, ये वाला फर्स्ट बैच है। इसके ऊपर हम अब डालेंगे नमक। तो एक्स्ट्रा ऑयल भी हम ऐसे करके निकाल देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे ब्लैक सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जैसे ही हमारा दूसरा बैच रेडी हो जाएगा उसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। आप कोई भी फ्लेवर अपने हिसाब से नमकीन दाल का बना सकते हो। और ये देखिए आवाज़ आ रही है ना आपको, इसका मतलब ये है कि हमारी जो दाल है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। अब इसे भी उसी तरह से ऑयल निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मूंग दाल का लास्ट बैच फ्राई हो रहा है और जैसे ही ये फ्राई हो जाता है उसके बाद हम मूंग दाल नमकीन को सर्व करेंगे। तो हमारा लास्ट बैच भी फ्राई हो गया है और 2 बैच में मैंने डाला है काला नमक और 2 बैच में मैंने डाला है चाट मसाला। हमने 4 बैच में टोटल इसे फ्राई किया था। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो अब मैंने एक लिया है एयरटाइट कंटेनर, इसमें हम दाल को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने मूंग दाल को डाल दिया एयर टाइट कंटेनर में। अब इसे कर देते हैं ऊपर से बंद और इसे आप स्टोर कर सकते हैं महीनों। और जब भी आपके घर गेस्ट आएं आप अपने हाथ से बनी हुई मूंग दाल चाय के साथ उन्हें सर्व करें और उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी।
तो फ्रेंड्स आपने देखा मूंग दाल नमकीन को घर पर बनाना कितना ही आसान है और ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ मिलके इसे बनाएं, खाएं और मज़े करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने हमारी मूंग दाल नमकीन कितनी क्रिस्पी बनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।